नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में पाठ नंबर 2 ईदगाह पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रेमचंद और पाठ का प्रकार है कहानी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम द्रौपद राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उपन्यास और कहानियों में उन्होंने मानवियों की संवेदना, उनकी वेदनाओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। मानव को ही ध्यान में रखकर उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं, मानव की समस्याओं को ध्यान में रखकर। तो ऐसे ही प्रसिद्ध उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद जी का दुखद निधन 1936 में हुआ। आज हम जो इकाई पढ़ने जा रहे हैं ईदगाह, तो ये कहानी प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। ईदगाह का मतलब होगा ईद की नमाज पढ़ने की जगह, मस्जिद नहीं, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वह जगह उसे ईदगाह कहते हैं। ये जो ईदगाह कहानी है उसका नायक हामिद, उसके बारे में इस कहानी में उसके जो त्याग है, उसका बलिदान है, वह बाल सहज इच्छाओं का दमन कर अपनी दादी के लिए जो चिमटा खरीद कर लाता है, उसके बारे में पूरी कहानी है कि हामिद छोटा होते हुए भी उसे सही और गलत और अपनी दादी के प्रति प्रेम की बात बताई है। तो हम ये कहानी आगे अभी पढ़ेंगे। आप आपके पास जो पुस्तक है उसे भी आप निकाल कर रखिए और मैंने जो शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हैं उसको भी आपको साथ में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ईदगाह का अर्थ लिखना है। रमजान, रमजान यानी कि मुसलमानी वर्ष का नवा महीना। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रोजा यानी कि उपवास। हम सभी उपवास करते हैं, ठीक वैसे ही रोजा में भी सभी लोग उपवास करते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। तो पूरे 30 रोजे खत्म होते हैं यानी कि पूरा महीना खत्म होता है, उसके बाद में ईद आई। कितना मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर। कितना सुहावना, सुहावना यानी कि रमणीय। प्रभात, प्रभात यानी कि सवेरा। कितना सुंदर, कितना रमणीय सवेरा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, शीतल यानी कि ठंडा। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज ईद का त्यौहार है तो ये सारे जो प्रकृति भी सभी को ईद की बधाई दे रही है, ऐसा लगता है पूरा संसार जो है वो ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है क्योंकि गांव में बहुत ही हलचल है, चहल पहल है क्योंकि सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कुर्ता यानी कि शर्ट, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, जिसके कुर्ते में बटन नहीं है वह पड़ोस में जाता है सुई धागा लेने। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेल
पास भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। यहाँ पर सानी यानी ही चारे की सामग्री, हम जो पशुओं को खिलाते हैं वह उसमें पानी डालकर उसे खिलाया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तीन कोस का पैदल रास्ता, तीन कोस यानी कि 3 किलोमीटर, आज के 3 किलोमीटर पैदल, पैदल यानी कि पैरों से चलकर जाना है। वहां पर कोई गाड़ी, पहले के जमाने में कोई गाड़ी नहीं थी। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। ये सारी बातें ईदगाह जाने की तैयारी के बारे में है कि ईदगाह जाना है तो सब में कितनी प्रसन्नता है और सभी लोग उसकी कैसी कैसी तैयारियां करते हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, यहाँ पर ईदगाह में मेले में जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न लड़के है। किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। बच्चों ने, किसी ने आधा रोजा रखा है, किसी ने वो भी उपवास नहीं किया है, मगर सभी लोग किस लिए प्रसन्न है, किस लिए खुश है, क्योंकि उन्हें ईदगाह जाना है और वहां पर मेला लगा हुआ है। इसलिए बच्चों को तो मेले में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। और रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बड़े और बुजुर्ग जो लोग होते हैं वही रोजा रखेंगे, बच्चे नहीं, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद का क्यों नहीं चलते। छोटे बच्चे आपस में बातें ही करते हैं कि ईद आएगी ईद आएगी, हम भी ऐसा करते हैं। कोई भी त्यौहार आता है तो कब आएगा त्यौहार, कब आएगा त्यौहार, तो ठीक इसी यहाँ पर भी हामिद और उसके सारे मित्र जो है वो ऐसा ही करते हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुबेर का अर्थ लिखा है धन का देवता। बच्चों को तो कैसा लगता है कि उनके पास तो बहुत सारा धन है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे थे। इन्हीं अनगिनत, अनगिनत यानी कि जिसे गिना न जा सके चीजें लाएंगे। अनगिनत यानी कि इन पैसों से हम इतने सारे खिलौने और सारी चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद, गेंद मतलब के बॉल, दड़ो और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, सबसे ज्यादा खुश कौन है, हामिद। अब हामिद गरीब, गरीब सूरत, सूरत यानी कि चेहरा, भी हामिद का वर्णन शुरू होता है कि हामिद दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट, हैजा यहाँ पर हमारे लिए नया शब्द है तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, एक भयंकर संक्रामक रोग कालरा, और उसका दूसरा नाम है विशु चीका। तो उसका, हामिद का जो पिता था वह कालरे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसके पिता की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद का अभी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी अमीना ही बची है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।